के शोहर को भी अपने के लिए करनी चाहिएत के मुताबिक हो, हो। इतर लगा ली खुशबू लगा ली अच्छे कपड़ा पहन लिए सही तरीके से आपने ऐसे नहीं के तुम्हारे अंदर गंदगी भरे हुए तुम गंदगी में डूबे हुए पसीने में डुबे हुए और उसकी बाद तुम्हारे अंदर से बदबू तुम्हारे मुंह से बदबू और औरत बाजे वक्त में इसे भी होते बाजे औरतें सिगरेट नहीं पीते बाजे मर्द मर्द सिगरेट पीते हैं औरत सिगरेट की सिगरेट की बदबू औरतें बर्दाश्त नहीं करती है तो उन सूरत में औरत के लिए बड़ी तकलीफदा होती है तो अब तुम सिगरेट भी बंद नहीं करो अगर तुम सिगरेट पी भी रहे हो तो क्या करो पहले बसवा करके उसकी बाद ब्राश करके फिर उसके बाद अपने बीबी के पास आओ अपने बीबी से बात करो ऐसे नहीं कि तुम्हारे मुंह से बदबू आना शुरू हो जाए सिगरेट की तंबाकू तो ये तुम्हारे लिए भी फर्ज है कि तुम उनकी साथ में भी अच्छा सलूक करो फरमाते हैं हजरत कायस बिन साइद रजी अल्लाह तआला अनु से रवायत है कि खुदा के सवा अगर किसी को सजदा जायज होता तो बीबी को शोहर के लिए होता खुदा के सभा किसी को सजदा जायज होता तो बीबी को शोहर के लिए होता हजरत कायज बिन सईद रजी अल्लाह तआला से रिवायत है हजरत कायज बिन सईद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि लौ कुंतु आमर लौ कुंतु आमर अहदन अन यसजुद ल अहदिल्ला ला, ला अमरतु निसा अन यसजुदना ल अजवाजिहिन्ना लिमा जअल अल्लाह लहु अलैहिन्ना मिन हक अगर मैं किसी को अगर मैं किसी को अल्लाह के सवा सदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहरों को सद्धा करें अल्लाह के की रसुल हादीश की है फिर शोहर की खुशी में बीबी के लिए जन्नत की जमानत अल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमायायम और मा तद जहा अनहाराज इन दखल अतुल जन्ना शोहर की खुशी में बीबी के लिए जन्नत की जमानत है हमारे दीन इस्लाम के अंदर आज दीन इस्लाम को छोड़कर देखो और किसी में ये जमानत है नहीं है फरमाया आई मतम मा तद अनहारखल अतिल जन्ना के जो औरत इस हाल में फोत होकर उसकी शाविन उससे राजी हो तो वो जन्नत में जाएगी तंबी और तमहीद क्या है ये है कि औरतों को तालीम सिखाने के बारे में क्या मैं मना कर रहा हूं नहीं मैं अपनी बेटियों की यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा हूं भाई बुरगे की तहत पर्दे की तहत उनको बुरगा पहनाओ, उनको चादर पहनाऊ चादर उड़ा उड़कर जो है ना यूनिवर्सिटी में भेजूं मखलूत नि निजाम तालीम से बचते हुए जहां मखसूस सिर्फ औरतों की तालीम हो वहां अपने बेटियों को पढ़ाने की कोशिश करो फिर जो भाई जो बहने मेरे जो माए और मेरे बेटियां जो काम में जा रही होती हैं तो उनके घर में कोई नहीं उनकी कफालत करने वाले कोई ना हो तो उन सूरत में उनको बाहर तो जाना है तो आप कैसे जाए बुरके की तहत जाए पर्दे के तहत जाए हजरत सलमा रजी अल्लाह तहा फरमाती है कि औरत एक सतर है औरत को घर में ही अच्छी लगती है और अगर बाहर फिर भी मजबूरन जाने पड़ते हैं तो आप जाए शरीयत में ये कहा कि आप पर्दे की तहत जाए खुशबू ना लगाए और फिर निकाह पहन कर जाएं आपको काम के लिए किसी ने मना नहीं किया अगर आप यूरोप वाले जैसे मगरबी ममालिकोट पहन कर जो है बाहर निकलेंगे तो फिर यह इस्लाम के खिलाफ है इसी मखलूत निजाम की वजह से पूरे दुनिया के अंदर बर्बादी फैल रहे हैं जिसकी वजह से पूरे दुनिया में मुसलमान बदनाम हो रहे हैं आपकी हरकत की वजह से आपकी गलत सलूक की वजह से बुरका ना पहनने की आपकी पर्दा ना करने की वजह से दूसरे लोग आपकी तरफ तकते हैं दूसरे लोग आपकी तरफ दिखते हैं शैतान आपकी तरफ तक तक के देख रहे होते हैं तो उन हालतों में आपको शैतान भी आपके पीछे लग जाती हैं। आपकी दिलों के अंदर वसवसे डालते हैं मर्दों के दिलों के अंदर भी वसवसे डालते हैं जब मर्दों की दिलों में भी वसवशे डाल दी आपकी दिलों में भी वसवसे डाल दी तो आप बड़े गुनाहों में अजीम गुनाहों के अंदर जाकर आप मुब्तला हो जाओगे इसी वजह से फरमाया कि शरीयत के अंदर आप जाए तो बाहर तो इस अंदाज से जाए कि भाई अपना बुरगा पहने एहतियात करें अल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पर्दा आपके ऊपर वाजिब है लिहाजा आप अपने निकाब पहनकर बुरका पहनकर आप बाहर जाकर अगर काम करना चाहें तो काम करें आप मेरे माँ और मेरे बहनों की जैसे हो मेरे बेटियों की जैसे हो मैं भी अपनी बेटियों की यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा हूं मैं भी अपने बेटियों की यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियाँ ऐसे यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं जहां सिर्फ लेडीज और लेडीज ही हैं तो यह मुसलमानों के ऊपर फर्ज है औरतों के ऊपर फर्ज है पर्दा करना भी उनके लिए उनके ऊपर फर्ज है और दूसरे अपने शोहर के लिए जो भी जीनत आप इख्तियार करना चाहो वो तो आपके लिए जायज़ है लेकिन गैर मर्दों के सामने खुशबू लगा कर या सेंट वग़ैरह मार कर या दूसरे चीज़ें जीनत की चीज़ें अख्तियार कर अपने बनाओ और सिंगार करके जो है ना दूसरे के सामने जाना ये आपके लिए गुनाह अजीम है बुरा नहीं समझने इस बात के ऊपर आप भी मेरे माँ और बहनों की जैसे हो हम तो इस्लाम की बात करने वाले इस्लाम की ही बात करेंगे तो लिहाजा इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि आप बाहर नहीं जाओ आप बाहर जा सकती हैं बिल्कुल पर्दे के तहत जाएं आप अपने जरूरियात भी अपने बाजार से लेकर आ सकती हैं इन सूरत में इन शक्लों में अपना अड़ोस पड़ोस में देखें एक हाथ आपकी दोस्त यार आपकी दोस्त को जो है अपने साथ लेकर जाएं और अगर आपकी शोहर आप अपने शोहर के साथ भी जाना चाहो तो जाओ अपने शोहर के साथ आपके लिए कोई माना नहीं है लेकिन बुरके के तहत जाओ ऐसे नहीं कि मास्टर अब्दुल्ला की जैसे आपका भी जलालत और बेइज्जती हो अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफ़ीक़ अता फरमाए